friends, how are you? Welcome to CR International online study classes. I hope you have done your yesterday's work. उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कल आपका चैप्टर जो रीड कराया गया था वो आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा, और उससे आगे आज हम कंटिन्यू उस लेसन को करेंगे जो हमारा लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. पास्ट की जो झलकियाँ हैं उसके बारे में, जो कि रिलेटेड है 1857 के जो रिवॉल्यूशन था उससे रिलेटेड है, उसके बारे में ये बताती है. यहाँ कुछ मैंने जैसे कि कल बताया था, यहाँ कुछ ग्लिम्पसेस दी हुई हैं, कुछ पिक्चर हैं जो कि बोलती हुई प्रतीत होती है, या उसमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा ये पता लगेगा आपको कि ये पिक्चर क्या बता रही है और इससे भी आगे आपकी क्रिएशन को बढ़ाती है. लेट स्टार्ट अवर टॉपिक टुडेज. We will start from the topic number 4. आज हम जो start करेंगे वो 4 topic से करेंगे. 3 topic we have done. The 4th topic is Ram Mohan Rai. जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक को ओपन करना है और साथ के साथ जैसे जैसे ट्रांसलेशन आप क्लास में पढ़ते हैं ऐसे ही आपकी ऐसे ही ट्रांसलेशन जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा इंग्लिश टू हिंदी आपको वो कंटिन्यू करती रहनी. अभी स्टार्ट करते हैं. आपका जो फोर्थ पार्ट है जिसमें राम मोहन राय, सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे वो एक समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है. राजा राम मोहन राय 1772 से 1838 के बीच में जो उन्होंने अवेयरनेस फैलाई लोगों के बीच में समाज में, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है. अब इसको देखेंगे. वैसे मैं एक बार डिस्प्ले पर जो लिखे हुए बोर्ड पर जो लिखे हुए हेडिंग है मैं उनके बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद हम कंटिन्यू उस चैप्टर को रीड करेंगे. जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपके बीच बीच में आते हैं आप उनको मैंशन करते जाएंगे, और कम्प्लीट होने के बाद हम इन वर्ड्स को एज अ वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखेंगे. राजा राम मोहन राय ने जो भी अपने समय के जो भी कुप्रथाएँ थी हमारे इंडिया के अंदर, उन कुप्रथाओं को रोकने का अहम योगदान दिया. उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो उनके बारे में बताया हुआ है यही बताया हुआ है कि वो जितनी कुप्रथाएँ थी उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस का जो संचार था, या कह सकते हैं कि अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाई, उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को जागृत किया, प्रेरित किया. वो इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में भी, इंग्लैंड में भी जाकर उन्होंने अपने देश के बारे में, अपने देश को रिप्रेजेंट किया. सेकेंड, उसके बाद हमारा फिफ्थ जो टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशन. ऑपरेशन का मीन्स यहाँ पर है उत्पीड़न करना. उत्पीड़न मतलब किसी को उत्पीड़ित करना, किसी को मतलब यहाँ पर इंडियंस जो थे वो किसके द्वारा उत्पीड़ित हो रहे थे, अंग्रेज़ों के द्वारा. इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने नई नई जो टैक्सेशन की, जो टैक्स की पॉलिसीज थी वो लागू की, जिससे वो आगे जो किसान थे वो टैक्स को पे नहीं कर सकते थे, और नहीं पे करने की वजह से वो अपनी लैंड्स को खाली करना पड़ता था उनको. डिससेटिस्फैक्शन, इससे उन लोगों के अंदर असंतुष्टि की भावना जागृत हुई, यानी कि इंडिया के जो लोग थे वो उस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं थे, वो किसी भी तरह से उनको अंग्रेजों को यहाँ से हटाना चाहते थे, उनको यहाँ से भगाना चाहते थे. उसके बाद आ जाता है हमारा द स्पार्क. उसके बाद एक स्पार्क, स्पार्क का मीन्स होता है हमारा चिंगारी, और जो अंग्रेजों को भगाने की जो चिंगारी थी वो हमारी किस प्रकार से स्टार्ट हुई, यानी कि जो रिवॉल्यूशन था कैसे वो आगे बढ़ा, उसके बारे में इस कंटेंट के अंदर हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं हम. मैं लाइन टू लाइन आपको रीड कराऊंगा अब उसके बाद, और आपको अपनी बुक को ओपन करके कंटिन्यू वैसे ही अपनी बुक में देखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ते रहना है, देखना है उसको और रीड करना है. इसमें लिखा हुआ है राम मोहन रॉय आ आर्म मैन फ्रॉम बंगाल. बंगाल जो हमारा स्टेट है वहाँ पर राजा राम मोहन राय एक शिक्षक के रूप में उभरे, यानी कि शिक्षक के रूप में थे, या लोग उन्हें शिक्षक के रूप में जानते थे. अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो ये समझ गए थे कि देश के अंदर क्या गलत हो रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. वो कह रहे हैं
उन्होंने बताया है, बोलते हुए कह रहे हैं कि लेट अस नॉट डिस्पाइट अवर सेल्फ, हम अपने आप को हीन ना समझें, अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो प्राचीन कल्चर है वो महान है, वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, हम इस योग्य हैं कि अपने किसी भी अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकें, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा, सुधारना होगा, अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रियूनिंग अस, जो हमारी अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस का मीन्स होता है अंधविश्वास, जो हमारे अंधविश्वास हैव बीन रियूनिंग अस, ये हमें क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ये हमें। सेकेंड, उसके बाद जो ये पिक्चर दी हुई है इसको हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ बबल्स हैं लाइनों के लिखे हुए, इसमें लिखा हुआ है ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम उमा था, वो बताते हैं काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, वो कहते हैं कि जो काउस हैं गायें हैं उनका कलर अलग अलग होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का सब ब्लैक होता है, कोई दोनों मिक्सअप में भी होता है, पर वो कहते हैं परंतु बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, परंतु जो उनका कलर है मिल्क का दूध का वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग समाज सुधारक अलग अलग शिक्षक के अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजियन इज द सेम, परंतु सभी धर्मों का सभी जो राष्ट्र हैं सभी धर्म के जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही असेंस एक ही होता है, का निचोड़ एक ही होता है, एम कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं। उसके बाद है ही वाज अट्रैक्ट बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से भी अट्रैक्ट थे, मतलब आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, पर वो कहते थे कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, मतलब जो भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए वो सही होना चाहिए। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक newspaper की शुरुआत की थी, परंतु suspicious होने की वजह से अंग्रेज ये सोचते थे कि कहीं इससे लोगों में उनके प्रति अवेयरनेस या उनको भगाने के प्रति अवेयरनेस ना जागृत हो जाए, कहीं वो लोगों को भड़का ना दे, इससे उन्होंने उस newspaper को बंद करवा दिया जो कि 1823 के अंदर स्टार्ट हुआ था। He crossed the sea and went to England. उसके बाद वो वहाँ इंग्लैंड में भी गए to see what made the British powerful. Then there he told them. और उन्होंने ये भी देखा कि ब्रिटिश जो लोग हैं किस प्रकार से पावरफुल हैं। और उन्होंने ये भी बताया, वहाँ जाकर ये भी कहा We accept you as ruler. हम तुम्हें अपना शासक मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश उस समय शासन कर रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने वहाँ की असेंबली में जाकर बताया कि हम तुम्हें अपना शासक स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और तुम्हें भी हमें स्वीकार करना है एज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मीन्स है प्रजा के रूप में, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, परंतु जो प्रजा के प्रति अपने शासक की या शासक की जो अपने प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो उन्हें निभाने चाहिए, ऐसा उन्होंने इंग्लैंड में जाकर भी कहा। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड जो जो आए हैं, असेंस है, निचोड़ कह सकते हैं इसको हम, एम कह सकते हैं, उसके बाद हमारा अट्रैक्ट आया है उसका मीन्स है आकर्षित होना, उसके बाद सब्जेक्ट्स यहाँ पर विषय होता है वैसे इसका मीन्स, पर यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसको प्रजा के रूप में यूज़ कर रहे हैं। सस्पिशियस का मीन्स है यहाँ पर शक होना, संदेह होना। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ, ऑपरेशन। इसमें बताया गया है कि 1765 से 1835 तक, 1765 से 1835 तक जो भी जब पिक्चर के द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं या लोगों के प्रति क्या, लोगों अंग्रेजों के प्रति लोगों की क्या भावनाएं थी वो इसमें बताया हुआ है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस, ओप्रेस का मीन्स होता है उत्पीड़ित करना, परेशान करना, तो जो ब्रिटिश थे वो लगातार उत्पीड़न कर रहे थे इंडियन का। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने 1818 में एक एक्ट पास किया जिसे रेगुलेशन थर्ड के नाम से जाना जाता है।
अंडर इट एन इंडियन शुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, और इसके अकॉर्डिंगली अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाल देते थे, उनको कोई भी मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, ऐसा रूल उन्होंने बनाया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम, पूरे समय में ब्रिटिश ऑफिसर जो थे अच्छी अच्छी सैलरी लेते थे, यानी कि इंडियन से ज़्यादा सैलरी लेते थे, और ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और नया नया अपना बिजनेस स्थापित कर रहे थे, अपना भाग्य आजमा रहे थे। इसमें आप देखोगे, यह पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें किस तरह से भारतीयों को किस प्रकार से छोटे काम पर लगाया जाता था, और छोटे काम पर लगाने से उनको मजदूरी कम दी जाती थी। तो इसमें दिखाया हुआ है, बाई 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। ये बताया गया है कि लगभग 7 करोड़ का बिजनेस उस टाइम में इंडिया में किया जाता था, भारतीयों यानी कि इंडिया के अंदर किया जाता था, और वो सारा जो माल था, जो जितने 7 करोड़ का जो माल वहाँ से आता था इंग्लैंड से, इतने का टर्नओवर उनका होता था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज रूल व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। इससे क्या हो गया, प्रोस्पर्ड मतलब विकसित होना, जो ब्रिटिश थे वो और ज़्यादा विकसित होते गए, और जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या होती गई, वो डाई होती गई, यानी कि ख़त्म होती गई, नष्ट होती गई। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने अपने वहाँ इंग्लैंड में जाकर इस तरह चलाया कि वहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो हड्डियाँ थी और जो इंडिया की ज़मीनें थी, वो उनकी पॉलिसीज के द्वारा सफ़ेद होती जा रही थी, ब्लीचिंग होती जा रही थी। यहाँ पर ब्लीचिंग का मीन्स है सफ़ेद होना, श्वेत होना। और वीवर्स होते हैं जो बुनने वाले होते हैं, बुनकर जो होते हैं उनको कहते हैं वीवर्स। नेक्स्ट पर जाते हैं, हमारा जो डिससेटिस्फेक्शन है, असंतुष्टि है, जो उसके बारे में पढ़ते हैं। असंतुष्टि मतलब इंडियन जो लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे उनकी पॉलिसी से, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पार्शियन एंड संस्कृत इन 1835। इंडिया में जो एजुकेशन होती थी वो पार्शियन होती थी या फिर संस्कृत लैंग्वेज में होती थी। इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। इंडियन जो उस समय मैकॉले आए, तो उन्होंने इस पद्धति को चेंज करने का विचार किया या अपना सुझाव वहाँ पर आगे पहुँचाया, ब्रिटिश जो बड़े ऑफिसर थे उनके पास पहुँचाया, उनसे बताया, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने ये बताया कि हम इंडिया में व्यापार करते हैं और वहाँ के लोगों को हमें इंग्लिश के बारे में, यानी कि इंग्लिश भाषा का ज्ञान देना चाहिए, और वहाँ से वो जो उनके बड़े शासक थे या बड़े जो अधिकारी थे वो इस बात पर सहमत भी हो गए। उन्होंने किसके लिए सुझाव दिया ये बताया गया है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब अंडर दैम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। बताया कि इंग्लिश एजुकेशन से हमें कम पैसों के अंदर क्लर्क तैयार कर देंगे, यानी कि भारत में ही वो क्लर्क मिल जाएंगे इंग्लिश अगर वो सीख लेंगे। और इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इससे नए विचारकों का उदय होगा, यानी कि नए नई विचारधारा आएंगी। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग इस बात पर सहमत भी हो गए, एंड ट्राई टू इम्पोज देयर मटेरियल कंडीशंस फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और इससे उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। और फॉर वट वी शुड कन्वे अवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फॉर दैट वी मस्ट, और हमें
अपने दुखों को, ग्रेवियंस का मीन से दुख, अपने दुखों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि वहां से कुछ हमारे लिए ऐसे कानून बने जो ज्यादा से ज्यादा हमें सुविधाएं दें। उसके बाद एक मैप देखते हो गए बेटा, आप आपकी बुक में भी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये मैप दिया हुआ है, इससे पहले भी एक मैप था जहाँ पर ये दिखाया गया था कि ब्रिटिश जो एरिया है वो कितना कम था। आप देखो यहाँ पर 1856 के अंदर कितना एरिया, कितने स्टेट ऑक्यूपाई कर लिए यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश जो सर, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे या मर्चेंट जो थे, जो बनकर आए थे यहाँ पर व्यापार करने आए थे। उसके बाद बताया है they care little अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो तो मुश्किल से भारतीयों की परवाह करते हैं या कम ही परवाह करते हैं। अवर किंग हैव बिकम्स पोपेट, पोपेट का मीन्स होता है कठपुतली होना। कठपुतली बनना, जैसे हम हाथ से जैसा जैसे हम कहेंगे वैसा वो करेगी, कठपुतली होना। भारतीय जो थे वो कठपुतली बनकर रह गए थे, यानी कि ब्रिटिश जो आदमी थे, जो अधिकारी थे, उनकी कठपुतली मात्र समान थे। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और वो कह रहे थे, बातें कर रहे थे कि हम इससे अपनी पुरानी जॉब्स को भी खत्म कर रहे हैं और लैंड्स और अपनी जमीनों को भी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो हमारे भाइयों को भी चेंज कर रहे हैं, जैसे नौकरी पे लगाना, अंग्रेजी सिखाना, इससे उनके मन के अंदर ये आया कि वो हमारे भारत जो भाई हैं, यानी कि भारतीय जो और हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, ड्राइव देन, टू ड्राइव का मीन्स यहाँ पर है बाहर निकालना। तुम सिर्फ बातें करते हो, एक व्यक्ति आकर कहता है तुम सिर्फ बातें करते हो, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है दस बार, सेवंथ पॉइंट है ये हमारा, नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे जो चिंगारी थी वो कैसे भड़की। टैक्सेस कंटिन्यू टू रियोन द पीजेंट इन बंगाल, बंगाल के अंदर जो टैक्सेस थे वो कंटिन्यू बढ़ रहे थे। द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, संथाल जो बंगाल के अंदर है वहाँ पर जो लैंड्स थी, वो जो शासक थे जो अपने भारतीय थे, वो अपनी ज़मीनों को खोते जा रहे थे। किस वजह से? टैक्सेस की वजह से। अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट इन 1855, दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्केयर यूरोपियन एंड देयर स्पोटर्स अलाइक। अब 1855 तक विद्रोह की भावना जो लोगों के अंदर थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ये भावना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी और बढ़ गई। द वाइट सोल्जर गेट्स यूज पे मैंशन टू लाइव इन सर्वेंट्स, वो कह रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर हैं, यानी कि जो ब्रिटिश हैं, वो ज़्यादा सैलरी प्राप्त करते हैं बजाय कि हमारे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें धीरे प्रमोशन मिलती है और वेतन भी कम मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजियन, और अंग्रेज ये भी कहते हैं कि विदेशों में जाओ, यानी कि हमारी सेना में, जैसे इंग्लैंड के अंदर कोई युद्ध हो जाता है तो यहाँ के सैनिक वहाँ पर भी भेजे जाते थे, ये वो इंडियन ये मानते थे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम, एक व्यक्ति कहता है कि वो टोपी वाला, यानी कि अंग्रेज कौन होता है हमारे इस कस्टम को चेंज करने वाला। कस्टम का मीन्स होता है रीति रिवाज। तो इसमें बताया है कि वो कौन होता है। थाउजेंड ऑफ अदर सिपोए रिवोल्ट, ऐसे ही हजारों जो सैनिक थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। देवर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और स्ट्रिप लगाकर यूनिफॉर्म में वो विद्रोह करते थे, यानी कि विद्रोह का एक सूचक था, उसके द्वारा वो विद्रोह जताते थे। सिपोए मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। और मंगल पांडे ने सबसे पहले अटैक किया अपने जो अंग्रेज था उनके ऊपर, और जिससे उन्हें एग्जीक्यूट किया गया उस रेजिमेंट में, यानी कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, और उसके बाद कई लोग इसके लिए जेल में डाले गए। आयरन का मीन्स यहाँ पर है जेल।
few Englishmen had cared to understand Indian custom of the people's mind. वो कहते हैं कुछ ही लोग हैं जो इंडियन पीपल के कस्टम की रिवाज की परवाह करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं. ओ प्राउड ब्राह्मिन सोल्जर, डू यू वॉन्ट टू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. उन्होंने एक ने बताया एक सोल्जर को कि जो राइफल्स यूज होती है उसको काटने के लिए हमें मुंह से काटना पड़ता है उसको चलाने के लिए, और उस पर जो चर्बी लगी होती है वो गाय और सुअर की होती है. वट वो ब्राह्मण था तो उससे वो कहने लगा क्या द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू. डिसीव्ड का मीन्स होता है धोखा देना. धोखा दिया तो वो कहते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया है. सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम द विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज. एक संदेश कैसे भेजा गया रोटियों के द्वारा उस पर लिखकर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे राज्य में पहुंचाई गई और संदेश दिया गया कि हमें तुम्हारी सहायता चाहिए. यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी. ओके वहाँ पर जैसे ही ये सूचना मिली तो जिसने सूचना पहुँचाई उसको वापस जवाब मिला कि हमारे आदमी तैयार रहेंगे. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स. ऐसे ही जो लोटस के फ्लावर थे वो सर्कुलेट किए गए, ये सूचना दी गई कि वो उनके अगेंस्ट हैं. डेथ ऑफ द फॉरनर और सभी कहने लगे कि अंग्रेजों को मारा जाएगा. द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड सेल्टर टू द पैट्रियोट्स. सभी जगह सभी लोगों के लिए ये संदेश दिया गया, यानी कि देशभक्ति की भावना का, पैट्रियोट का मीन्स है देशभक्ति की भावना. देशभक्ति की भावना का जो सहयोग, जो पूरा सहयोग था वो लोगों को मिलने लगा, एक दूसरे से देशभक्ति की भावना जगने लगी, यानी कि अंग्रेजों को सभी भगाना चाहने लगे. इनफ फॉर टुडे बेटा, आपको ये अच्छे से रीड करना है, वॉच करना है, एक बार नहीं दो बार, जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ ना लो. बिकॉज यू डिड नॉट, यू विल नॉट कम्प्लीट द क्वेश्चन आंसर इफ यू नॉट रीड प्रॉपरली. यदि आप सही तरह से नहीं पढ़ोगे इसको तो आप इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते. इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.